नूरपुर खंड विकास कार्यालय के स्मृति हॉल में वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बाल संरक्षण एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बच्चों के साथ हो रहे शोषण तथा अपराधों को कम करना है तथा जनता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। कार्यशाला में धर्मशाला से आए KS दिमान जिला बाल संरक्षक अधिकारी ने कार्यशाला में पंचायतों से आए हुए प्रतिनिधियों, प्रधान, उप प्रधान तथा उपस्थित लोगों को किशोर न्याय अधिनियम 2015-16 तथा बच्चों के संरक्षण, देखभाल, विकास, किशोर एवं बच्चों को न्याय प्रदान करने के आधारभूत सिद्धांतों को लागू करना, बाल शोषण के प्रति जागरूकता लाना तथा ग्रामीण स्तरीय बाल संरक्षण, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग, यौन उत्पीड़न के शिकार, नशा करने वाले बच्चों एवं कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित एवं बच्चों के अधिकार कर्तव्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। हमारे पास बहुत सारा काम है तो हमारा काम ये है कि उन बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाए, उनको उस स्थिति में लाया जाए कि कम से कम अपने पांव पे खड़े हो जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि देश की प्रोडक्टिविटी में अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो हमारा जितना भी पैसा है वो ड्रेन आउट होता जाएगा उन बच्चों पे, और उन बच्चों पे ड्रेन आउट होता जाएगा तो मेरे और आपके लिए फैसिलिटीज यूरोपियन कंट्रीज की तरह कभी नहीं होगी। जापान एक छोटा सा कंट्री है, सुनामी में खत्म होता है उसके बाद पैदा होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो एक बार मैं सुन रहा था एक DNA सुधीर चौधरी का, तो उसने बताया कि जापान में कोई क्राइम नहीं होते, बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए सबसे टफ कानून है, बंदूक की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्राइम नहीं होते। आज की बैठक स्पेशल हमारे BDO साहब के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया है और बच्चों के संरक्षण के बारे में उन्हें बताया जाएगा, खासकर पॉक्सो, लैंगिक अपराध जितने भी बच्चों के साथ होते हैं, बच्चों के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं को ये भी बताया जाएगा कि उनके मूल का ये कर्तव्य भी बनते हैं कि अपने पंचायत में इस प्रकार के अबंडर्ड, सरेंडर्ड, इस प्रकार के नेग्लेक्टेड बच्चे जितने भी हैं उन बच्चों के बारे में भी सोचा जाए ताकि देश की प्रोडक्टिविटी में उनका योगदान हो। तो आज की कार्यशाला का मुख्य मुद्दा ये